Hello dear friends, today I am going to teach you imperative passive voice. So watch one by one very carefully. देखिए imperative passive voice में क्या होता है, पहले verb से sentence start होते हैं, जो verb की form होती है उससे पहले form से ही sentence start होता है। जैसे open the window, खिड़की खोलिए। अब इसको passive voice बनाना है तो आप कैसे बनेंगे? ओपन द विंडो, हियर यू आर वॉचिंग, ओपन द विंडो। अब इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें पहले ऑब्जेक्ट रखना पड़ता है। आप जानते हैं हर टेंस में ऑब्जेक्ट रखना पड़ता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। वो क्या होगा? पहले आपको लेट लगाना पड़ेगा, पहले लेट, एलईटी लेट, फिर द विंडो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर दूसरे नंबर पर ये ऑब्जेक्ट आएगा। पहले लेट लिखा जाएगा, फिर द विंडो, लेट द विंडो, फिर बी आ जाएगा इसके बाद में, बी ई, लेट द विंडो बी, फिर ओपन की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ओपन हो गया, लेट द विंडो बी ओपन। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज डू इट, इसे करिए। तो डू इट, इसे करिए, तो पहले लेट आएगा, आपको अपने पास से लेट लगाना पड़ेगा, एल ई टी लेट, अपने पास से आपको लेट लगाना पड़ेगा पहले, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, पीछे वाला जो पार्ट है उसको लगाना पड़ेगा। तो लेट के बाद क्या लिखा है ऑब्जेक्ट आपका, लेट इट, फिर ऑब्जेक्ट के बाद आपका बी आएगा, लेट इट बी, और डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन, लेट इट बी डन। ओके, हो गया, लेट इट बी डन। सिंग अ सॉन्ग, एक गाना गाइए। ओके, एक गाना गाइए या एक गाना गा, मतलब रंगबाजी से बात करने के लिए सिंग का मतलब ये, सिंग अ सॉन्ग मतलब होता है एक गाना गाइए या एक गाना गाओ। इसके दो हिंदी में मीनिंग्स हैं। ओके, तो सिंग अ सॉन्ग, आप क्या करेंगे, पहले आपको लेट लाना पड़ेगा अपनी तरफ से, तो लेट, फिर आपको ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा अ सॉन्ग, लेट अ सॉन्ग, फिर बी, और सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग, लेट अ सॉन्ग बी संग। ओके, तो ये था आपका सिंपल इंपरेटिव जो है। अब इसमें अगर हम प्लीज लगा देते हैं, ये सारे वाक्यों में अगर हम प्लीज लगा देते हैं, तो क्या चेंजेस करने पड़ेंगे पैसिव वॉइस में हमें, वॉच वेरी अटेंटिवली। देखिए अब प्लीज लगा हुआ है इसमें, प्लीज ओपन द विंडो। ओके, प्लीज ओपन द विंडो, तो जब प्लीज लगा होता है तो प्लीज को हटा करके यू आर रिक्वेस्टेड टू कर देते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये अपनी पास से लगाना पड़ेगा, प्लीज को हटा करके आपको यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाना पड़ेगा, और फिर आगे वाला जो आपका पूरा पार्ट है सेंटेंस का जुड़ जाएगा। तो यू आर रिक्वेस्टेड, फिर टू लग गया, फिर यही टोटल यही लिख दीजिए आप, बस ओपन द विंडो, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द विंडो, ये हो गया। अब नेक्स्ट है, पहले था डू इट, तो मैंने लिखा था लेट इट बी डन, अब मैंने इसमें प्लीज लगा दिया, केवल प्लीज जोड़ दिया, तो प्लीज जोड़ दिया, तो प्लीज को हटा करके हमें यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाना है बस। ओके, सो अब प्लीज मैं हटा रहा हूं, इसकी जगह लिखना पड़ेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, और फिर यही लिख देंगे डू इट, डू इट,
कुछ नहीं करना बिल्कुल आसान है। प्लीज की जगह यू आर रिक्वेस्टेड लगाना है, बाद में यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद डू इट, आगे वाला पीछे वाला जो पार्ट है उसको जोड़ देना है बस, और कुछ नहीं करना। राइट, आई होप इट इज क्लियर। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट वन इज, प्लीज सिंग अ सॉन्ग, कृपया गाना गाइए, कृपया गाने, जब भी आप ये सेंटेंस बोलिए कभी भी किसी से तो प्लीज जरूर लगाइए, सिंग अ सॉन्ग, गाना गा, थोड़ा अभद्र है अच्छा नहीं लगता, तो जब भी हम किसी से बातचीत करें तो प्लीज जरूर लगाएं। ओके, तो प्लीज सिंग अ सॉन्ग, तो आप क्या पैसिव बनाएंगे, प्लीज को हटा करके आप क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और फिर ये उतार देंगे सिंग अ सॉन्ग, ये राइट, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिंग अ सॉन्ग, निगेटिव बनाना है, यू आर नॉट रिक्वेस्टेड टू सिंग अ सॉन्ग। ओके राइट, व्हाट इज द नेक्स्ट, स्टैंड देयर, वहां खड़े हो जा या वहां खड़े हो, तो जब रंगबाजी से बात करते हैं तो इसको हमें इंसान कैसा है, बड़ा है छोटा है, उसके हिसाब से हमें पैसिव वॉइस बनाना पड़ता है। तो देखिए क्या करेंगे हम, आप स्टैंड देयर, वहां खड़े हो जाओ, तो क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड, आपको ऑर्डर दिया जाता है, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, इसके बाद टू, फिर यही लगा देंगे, यू आर ऑर्डर टू स्टैंड देयर, कुछ नहीं करना। अगर निगेटिव बनाना है तो यू आर नॉट ऑर्डर्ड टू स्टैंड देयर। ओके, आप चाहे अगर कोई आपका बड़ा है, किसी बड़े को आप यही बात कह रहे हैं तो ऑर्डर नहीं छलकता, कोई आपका दोस्त है तो ऑर्डर नहीं छलकता, तो हम क्या करेंगे, तो इसी को हम क्या करेंगे, यू आर एडवाइज्ड, ऑर्डर की जगह हम एडवाइज कर देंगे, तो यू आर एडवाइज्ड टू स्टैंड देयर, दोनों में से आप कोई बोल सकते हैं, अगर आपका जूनियर है, अगर आप थोड़ा उससे रंगबाजी से बात कर रहे हैं तो यू आर ऑर्डर टू स्टैंड देयर, लेकिन अगर प्यार से बात कर रहे हैं यू आर एडवाइज्ड टू स्टैंड देयर। ओके, तो देयर आर टू इमोशंस इन इट, व्हाट इज द नेक्स्ट वन, डू दिस वर्क, यह काम करिए, तो ठीक इसी प्रकार से इसको भी बना आप बना लीजिए, डू दिस वर्क, तो क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू डू This work. You are ordered to do this work. या आप इसको बना दीजिए, You are advised. Order की जगह advise कर दीजिए आप. You are advised. आपको सलाह दी जाती है यह काम करने के लिए. तो you are advised to do this work. Okay? तो these are the two sentences. Either of them can be used based on the situation. Okay? What situation you are? So open your mouth. Open your mouth. Watch. M-O-U-T-H. Open your mouth. अपना मुंह खोलो. तो आप इसमें same ऊपर वाला ही करना. You are ordered. अपने पास से आपको लगाना है. You are ordered. फिर to open your mouth. You are ordered to open your mouth. या order की जगह you are advised to open your mouth. Right? तो ये चीज order थोड़ा अच्छा सब नहीं लगता, इसलिए advice ज्यादा अच्छा रहेगा. Right? अगर कोई पुलिस वाला किसी क्रिमिनल से कह रहा है कोई ऐसा करने के लिए तो order ही आएगा, लेकिन अगर एक फैमिली में है तो अच्छा नहीं लगता ऑर्डर, तो ज्यादा अच्छा है एडवाइस,
तो वहां पर एडवाइस लगाइए, राइट? ओके, टेक ऑफ योर शूज, अपने जूते उतारिए या अपने जूते उतार दीजिए। तो क्या होगा यहां, पहले क्या आएगा, वही सेम आएगा, यू आर ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड यू आर ऑर्डर्ड या यू आर एडवाइज्ड टू टेक ऑफ योर शूज। ओके, तो यू आर ऑर्डर्ड लगा सकते हैं, एडवाइस लगा सकते हैं, एडवाइस बेटर होगा। ऑर्डर तो तब आएगा जब आप किसी ने बहुत गलत काम किया है और कोई जज किसी से ये काम कह रहा है या कोई भी अथॉरिटी किसी व्यक्ति से कह रही है, तो ऑर्डर अच्छा लगता है, अदरवाइज एडवाइस लगता है। सामान्य में जब हम अपने घर भाईचारा दोस्त में बात करते हैं तो एडवाइस ही अच्छा लगता है, राइट? लेकिन लास्ट है कम सून, जल्दी आइए भाई या जल्दी आना। अब इसको बनाना है, यहाँ पर भाई से बात करिए आ रही है, तो यू आर ऑर्डर्ड आएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू कम सून, यू आर ऑर्डर्ड, ओ आर डी ई आर ई डी, यू आर ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड टू कम सून। ये बोल चाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर द सेंटेंसेस विच आर ऑफन स्पोकन इन आवर डे टू डे लाइफ, दैट्स व्हाई यू आर रिक्वायर्ड टू प्रैक्टिसाइज ऑल दीज सेंटेंसेस एज मेनी टाइम एज यू कैन एंड अप्लाई ऑल दीज सेंटेंसेस इन योर डेली सेंटेंसेस, डेली कन्वर्सेशन। ओके, सो विद दिस आई एम कमिंग टू एन एंड, ऑल द बेस्ट एवरीवन, प्लीज कीप स्माइलिंग।